दादी माँ हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस नानी को मक्खन लगाना चाहती थी। तू जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती है ना, मेरे जाते स्टार्ट हो गई। अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो नानी के बर्थडे पे मुझे और कहाँ होना चाहिए था अर्जुन? मैं जानती हूँ कि आप अपने बर्थडे पे माँ को बहुत ज्यादा मिस करती हैं, इसलिए नहीं मनाती। मैंने सब पता कर लिया था क्योंकि मैं आपको दिल से चाहती हूँ, दिल से आपकी केयर करती हूँ नानी। दूसरों की तरह ढोंग या दिखावा नहीं करती। मन तो मेरा भी बहुत था कि आपका बर्थडे मैं धूमधाम से मनाऊं, पार्टी करें। ये फालतू ब्रेड जैम केक नहीं, आपका फेवरेट रोज स्ट्रॉबेरी केक खाएं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस शोबाजी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपनी नानी के पास रहना है, वो करना है जो मेरी नानी को अच्छा लगे। शाबाश बेटा, 15 साल बाद लौटी है, माँ की पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती है। तो सचमुच चाहती थी कि हम इस दिन को धूमधाम से मनाएं? हाँ, अभी भी। तू 15 सालों बाद लौटी है, हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। तू तैयारी कर, तू जैसे चाहेगी वैसे हम इस दिन को मनाएंगे। क्योंकि तू हमसे सच्चा प्यार करती है, लोगों की तरह ढोंग नहीं करती। बोल तो दिया लेकिन करूं क्या? गलत उठाया कदम, गलती से कई बार सही पड़ जाता है। 15 साल बाद आज हमारी माँ अन्नपूर्णा अवस्थी अपना जन्मदिन मनाएंगी। मैं तो बस लंबी लंबी बहक रही थी, अब बुढ़िया को सचमुच पार्टी चाहिए। अपनी एज तो देखे, तेरा उल्टा पड़ गया। गुड मॉर्निंग। Happy birthday, Dad. Thank you. जीते रहो। रहने दे। तुझे तो दिखावा करने की आदत है, लेकिन हमें आशीर्वाद देने का दिखावा नहीं करना है। चैन से खाने भी नहीं देती। दादी कम से कम आज। Excuse me. हाँ प्रतीक, नहीं कितना भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट क्यों ना हो, उसे बता दो कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, आज दादी का बर्थडे। ओके। नहीं एक और बात थी। हाँ। देख लिया, तू कहती है ब्याह के बाद पोता बदल गया है, अब देख क्या बोलेगी। बर्थडे के दिन तूने अपशगुन कर दिया मिश्री। सॉरी दादी माँ। अब आप देख रही हैं जीजी, आप कहती हैं ना कि हम इसे अपना लें। बहू होती तो अपना भी लेते, लेकिन ये लड़की तो अपशगुन है, अपशगुन। माँ अब पराठा लीजिए ना। रहने दे कल्पना, भूख मर गई है हमारी।
और तू वो लटका के क्यों खड़ी है? स्टोर रूम में जा, दूसरी पेंटिंग लेकर आ और लगा। माँ मैं दिनेश से करवा देती हूँ ना। गलती जिसने की है सुधार वही करेगा। माँ दादी माँ ठीक कह रही, हम करते। तस्वीर में माँ का चेहरा नजर आता है, ब्रिज अंकल की तस्वीर में पापा की चिंता, दादी माँ की डांट में किसी अपने का प्यार। क्यों आप सब अजनबी होके भी अपने से क्यों लगते हैं? ए, तू अपनी होकर के पड़ोसी से काहे लगती है? क्यों मैंने अब क्या किया? कुछ नहीं, मुझसे पड़ी है। बात सुन, कल तो बड़ा फनक फनक के बोल रही थी कि नानी तुम्हारा जन्मदिन है, ये करूंगी वो करूंगी सो करूंगी, अब कहीं नहीं करती। जा उठ यहाँ से, जाके कर काम। बड़ी नानी अभी बहुत टाइम है, सब हो जाएगा, और घर में इतने नौकर भी तो है। नहीं नौकर नहीं करेंगे, कैसे कि आज खास दिन है, तू करेगी काम। और देख मिश्री से कुछ सीख ले उससे कुछ। खाना बनाना नहीं जानती, फिर भी ब्रेड के ऊपर थोड़ी मीठी चटनी लगा के पूनी के लिए केक बनाई थी। और एक तू है, चल वो दिन की तरह खीर बना जैसी विद्या बनाती है। खीर मैं कहे? सुनाई दे रहा कि नहीं? कान में तेल डाली पड़ी है का? चल जा, जाके खीर बना विद्या की तरह, पूनी खुश होएगी। अरे पहले भी तो बना चुकी है। सीनियर बुढ़िया को कैसे बताऊं कि खीर मैंने नहीं मिश्री ने बनाई थी? क्या करूं? हम पूरी कोशिश करेंगे दादी माँ, कि जैसे विद्या आंटी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, हमें बिल्कुल वैसे ही करेंगे। थर्स्टे होता तो मिश्री माइंड नहीं करती, पर आज आपका बर्थडे और हम आपके चेहरे पर स्माइल लाकर ही मानेंगे। मैं खीर बना नहीं सकती, और उस दिन खीर मिश्री ने बनाई थी ये बता नहीं सकती, वरना सबको शक हो जाएगा कि असली अनु मिश्री है। अपना सर किस दीवार में जाके मारू? मिशी ने अगर अपनी बचपन की फोटो देख ली तो अभी 2 सेकंड में गेम ओवर हो जाएगा, इसे कैसे रोकूं?
बिंबेश्री, मुझे तेरी हेल्प चाहिए थी। है? किस लिए? नानी के लिए खीर बनानी है। हम तेरी मदद क्यों करें? पिछली बार हमने खीर बनाई थी लेकिन क्रेडिट तो तू लेके गई। किसने बनाई है जल्दी बताओ। माँ ये खीर, वो खीर मैंने बनाई है नानी। अगर क्रेडिट चाहिए तो मेहनत भी खुद कर। मिश्री, ये मीन बातें करने के लिए तुझे नानी के बर्थडे का दिन ही मिला था। उस दिन तूने खीर बनाई थी तो नानी को माँ के हाथ का टेस्ट आया था। प्लीज मेरी हेल्प कर दे, वो खुश हो जाएंगी। प्लीज प्लीज, फर्स्ट और लास्ट टाइम। ठीक है, दादी माँ के लिए हम तेरी हेल्प करेंगे। दिनेश भैया, भैया ये फोटोज और पुराने एल्बम्स आप हमारे रूम में भिजवा देंगे प्लीज? जी, मैं थोड़ी देर में भिजवा दूंगा। आज हम घर बिल्कुल वैसे ही सजाना चाहते हैं जैसे सालों पहले विद्या आंटी सजाती थी। ये तो इन फोटोज के हाथ धो के पीछे पड़ गई है। अभी तो मैंने इसे किसी तरह रोक लिया, पर अगर इसने अपने रूम में अपनी बचपन की फोटोज देख ली तो? क्या हो गया? ये नहीं बनानी क्या? चल। हाँ चल, चल ना। दीपेश, ये सब यहाँ क्यों लाए हो? मिश्री भाभी ने बोला है पार्टी के लिए। ठीक है, वहीं रख दो। आज की हकीकत कल की यादों से इतनी अलग हो सकती है अनु? तुम अनु हो के भी अनु लगती नहीं, पर मिश्री लगती है। टाइम के साथ साथ इंसान में बदलाव आ सकता है, पर इन 15 सालों में तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो अनु। इसे यहाँ काम में लगा के मुझे किसी तरह वो फोटोज गायब करनी होगी। अभी सीख ले, हम दोबारा नहीं बनाने वाले। सबसे पहले एक बड़े पतीले में दूध और चावल लेना है और फिर उसे पकने देना है। यही मौका है। कहाँ चली? वो मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आती हूँ। हाँ? प्रिया, तुझे हम बचपन से जानते हैं, तुझे कोई जरूरी कॉल नहीं आया है, तुझे बस आलस करना है। पर इस बार हम भी फंसने नहीं वाले। ये खीर तू फोन पे वीडियो देख के बना ले, हमें बहुत सारे काम है। रुक रुक, सुनना, खीर खीर तो बना लेंगे, पर तू नानी के लिए जो केक बनाने वाली थी वो तो बना दे। अगर खीर फ्लॉप हो गई तो हमारे पास केक तो होगा ना? होगा नहीं, ऑलरेडी फ्रिज में है।
हमने सुबह उठ के बना लिया था विद्या आंटी की रेसिपी से। बाकी का सब तू जाने, हम चलते हैं। ना पहले जैसा वक्त रहा और ना पहले जैसी तुम। ऐसे तो लोगों से बात करने में मुंह थक जाता है आपका, और आज देखो फोटो के साथ गप्पे लगा रहे। दिखा दो किसकी फोटो है। एक्चुअली जिसकी भी फोटो है वो अब सिर्फ यादों में, रियलिटी में नहीं। So it doesn't matter. अच्छा ठीक है, मत दिखाओ। हम ये फोटोज लेकर जा रहे हैं, हमें बहुत से काम है, हम वही देख लेंगे फोटो किसकी है। मिश्री दादी कई सालों बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मानी। I really hope कि उन्हें उनके डिसीजन पे पछतावा ना है। वो कई सालों से आज के दिन पे कभी मुस्कुराई नहीं है। I really hope कि वो आज मुस्कुराए। हमारा भी यही प्लान है अर्जुन, आप चिंता मत करो। बहुरानी, तुझे बहुरिया में विद्या झलक आती है ना? मिस्टी बिल्कुल विद्या जैसी दिखती है। हम घर बिल्कुल वैसे ही सजाएंगे जैसे सालों पहले विद्या आंटी सजाती थी। अरे वाह, मोहन भैया आप उस तरफ फ्लावर्स लगा देना और उस तरफ कैंडल्स भी लगा देना और बलून्स अपने लगा लिए, और ऐसी बलून्स लगा देना एक ब्लैक और दो येलो, ठीक है? बहुरानी एक बात बोले जी, तुझे बहुरिया में विद्या झलक आती है ना? मौसी आपने तो हमारे मन की बात कह दी। मिस्टी बिल्कुल विद्या जैसी दिखती है। बलून्स हो गए, कैंडल्स हो गई, अब जी फोटोस। अनु, अनु, दादी माँ, भैया ये सारी फोटोस हटा दीजिए, दादी माँ के लिए सरप्राइज है। जल्दी जल्दी आगल लड़की, छोड़ हमें, छोड़ ना। क्या क्या बदमाशी है ये? अनु क्या कर रही है? अनु छोड़ ना। अनु तू सॉरी दादी माँ, वो क्या है ना कि बर्थडे गर्ल को पार्टी से पहले सजावट देखना अलाउड नहीं होता। हमें रोकने वाली तू होती कौन है? आपकी पार्टी प्लानर। दादी माँ
पार्टी तो सरप्राइज रही नहीं, पर कम से कम पार्टी की सजावट तो सरप्राइज रहने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। माँ मिश्री बहुत मेहनत से तैयारियां कर रही है आपकी पार्टी की, शाम तक रुक जाइए ना। ये मेहनत करे ना करे लेकिन आज कोई गलती ना करे वही बहुत होगा। और इसकी की हुई सजावट देखने का हमें कोई शौक नहीं, हमें तो इंतजार है अनु की बनाई हुई खीर का जो वो सिर्फ हमारे लिए बना रही है। गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हम दादी का बर्थडे 15 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब के बीच में एक सुपरस्टार भी है। गौरिया पूर्णिया है, कभी कभी मिर्ची जैसी तेज लगती है। अरे पर मिर्ची से काहे रूठना है? और एक बात, जब कभी ज्यादा ही तेज लगे ना तो एक दिन ले करके उखल में उखल। ऐसे ही हंसती रहा करो, कितनी प्यारी लगती हो तुम्हें पता है। और ऐसे ही हंसते हंसते तैयारियां भी कर लेना। खीर तो बनाई नहीं, यहाँ बड़ी तैयारियां कर रही है। अरे बाप रे मेरी खीर। गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हम दादी का बर्थडे 15 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब के बीच में एक सुपरस्टार भी है। गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हम दादी का बर्थडे 15 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम सब के बीच में एक सुपरस्टार भी है।